Assalamu alaikum students, good morning, how are you students? Hope you are fine and hope you will be doing your work on daily basis. Am I right? Okay, students, today our topic in social study subject of class 2 is animals around us. Okay, animals, janwar अराउंड इर्द गिर्द अस हमारे इर्द गिर्द जो जानवर हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स. ओके स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, मैनी कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, बट हेयर आर आई एम डिस्कसिंग यू अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स. हाउ मैनी टाइप्स? थ्री टाइप्स ऑफ animals. Number first is domestic animal. Domestic animals are those animals which we keep in our homes for our basic needs. ठीक है, हम घरों में जो अपने साथ animals रखते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, like कोई जो है घर में cow रखते हैं, buffalo रखते हैं, बुल रखते हैं, ठीक है, बुलक्स रखते हैं, तो ये गोट्स रखते हैं, शीप्स रखते हैं, तो किस लिए रखते हैं? अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए. ठीक है, हम उनसे मिल्क लेते हैं, उनसे मीट हासिल करते हैं, उन पे काम करते हैं, ठीक है, खेतों वगैरह का काम करते हैं, तो वो एनिमल्स जो हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं. ठीक है, अपने घरों में हम रखते हैं अपनी ज़रूरियात के लिए, ठीक है, अपने कामों के लिए. नेक्स्ट इज़ वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स आर कॉल्ड जंगली जानवर जो होते हैं, ठीक है, जो जंगल में रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो वाइल्ड में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, दैट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. और वो हमारे लिए डेंजरस भी होते हैं, ठीक है, लाइक टाइगर, लायन, एलिफेंट, जिराफ, ज़ेब्रा, ठीक है, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं, हमारे लिए ख़तरनाक होते हैं, हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए वो एनिमल्स जो होते हैं वो वाइल्ड में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, एंड देट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, थर्ड नंबर इज़ टेम आर पिट एनिमल्स. टेम एनिमल्स आर पिट एनिमल्स. पिट एनिमल्स जो हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है, हम उनको अपने घरों में रख देते हैं. टेम का मतलब भी पालतू जानवर है और पिट का मतलब, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि पिट एनिमल्स हमें अच्छे लगते हैं, हम उनसे कोई काम वगैरह नहीं लेते, ठीक है, बस हमें शौक़ होता है, हमें कोई बर्ड, कोई एनिमल अच्छा लगने लगता है तो बस हम अपने साथ घर में रख देते हैं. टेम एनिमल्स भी पालतू जानवर होते हैं, लेकिन ये वो जानवर होते हैं जिनसे हम काम भी लेते हैं, लाइक हॉर्स, कैमल, डोंकी, ठीक है, डॉग्स, तो ये हम एज अ पेट एनिमल भी रखते हैं, ठीक है, लेकिन इसको एज अ टेम एनिमल्स भी रखते हैं, उनसे हम काम भी लेते हैं, ठीक है, पालतू जानवर. डोमेस्टिक एनिमल से हम चीज़ें हासिल करते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए रखते हैं, ठीक है, और टेम एनिमल से हम काम लेते हैं, ठीक है, अपनी काम को हल्का बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए हम उनको इस्तेमाल करते हैं, लाइक डोंकी हो गई, कैमल हो गए, हॉर्सेस हो गए, ठीक है, तो कुछ लोग जो है हॉर्सेस को एज अ टांगा यूज़ करते हैं, ठीक है, इसी तरह कैमल कार्ट जो ऊन की गाड़ी होती है, इसी तरह डोंकी कार्ट जो गधा गाड़ी होती है, लोग उस पे चीज़ें रख के बेचते रहते हैं, ठीक है, या सामान वगैरह लाते ले जाते रहते हैं. तो टेम एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनसे हम काम लेते हैं, ठीक है, घरों में पालते भी हैं लेकिन उनको काम के लिए रखते हैं, राइट. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स? थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड टेम एनिमल्स, राइट. ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड रीडिंग. ओके, लुक एट हियर. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट एंड जंगल्स. ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट, जंगलात में रहते हैं,
आर जंगल्स, या जंगल में रहते हैं, ठीक है, या तो जंगलात में रहते हैं, फॉरेस्ट का मतलब भी जंगलात है, जंगल का मतलब भी जंगल है. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट एंड जंगल, जंगली जानवर वो है वो जंगलात में रहते हैं. दे आर शाय, वो शर्मीले होते हैं, ऐसे शर्मीले नहीं होते कि मुंह छुपाते हैं, शर्मीले ऐसे होते हैं कि इंसान को देख के वो भाग जाते हैं, क्योंकि इंसान तो जंगल में नहीं रहते ना, ठीक है, सिर्फ एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे, इंसान नहीं होते, तो इसलिए वो शाय होते हैं, इंसानों से शर्माते हैं, इंसानों के साथ मेल जोल नहीं रखते, ठीक है. एंड समटाइम्स फ्राइटेंड ऑफ ह्यूमंस, और कभी कभार इंसानों से खौफज़दा हो जाते हैं, कभी कभार इंसानों को भी खौफज़दा कर देते हैं, ठीक है, इंसानों को भी डरा देते हैं, और वो लोग इंसानों से भी डरते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसानों के साथ उसका कोई वास्ता नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं होता, तो इसलिए वो शाय भी होते हैं और फ्राइटेंड होते हैं इंसानों से, ठीक है. ह्यूमंस मीन इंसानों. सम आर डेंजरस, और कुछ उसमें से क्या होते हैं, डेंजरस, खतरनाक होते हैं, लाइक टाइगर एंड बियर, ठीक है, जिस तरह टाइगर है तो इंसान पे अटैक कर देता है, उसको खा जाता है, इसी तरह बियर जो है, रीछ जो है, ये भी जब गुस्से में आ जाता है तो ये भी इंसान को खा लेता है, ठीक है. ओके, सम एनिमल्स आर नॉट डेंजरस आर फायर्स. सम एनिमल्स, कुछ जानवर जो है, आर नॉट डेंजरस, खतरनाक नहीं होते, आर फायरस, या गुस्सीले नहीं होते, इंसान को देखे गुस्से में नहीं आते. दे कैन बी ट्रेंड, उसको तरबियत दी जाती है, उनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, टू वर्क, काम के लिए उनको ट्रेन किया जाता है. वी कॉल दीज टेम एनिमल्स, उनको हम पालतू जानवर कहते हैं, ठीक है ना, जिस तरह आपको मैंने बताया कि टेम या पिट एनिमल्स, तो पिट एनिमल्स से हम कोई काम नहीं लेते, जबकि टेम एनिमल्स को हम काम के लिए भी यूज़ करते हैं और उनको ट्रेन किया जाता है. लाइक बुलक, जो बुल वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये देखें, इनको ट्रेन किया जाता है, ये सीधा अपने घर जाता है. इसी तरह जो हॉर्स होते हैं, इनको भी ट्रेन किया जाता है, जो कैमल्स होते हैं उनको भी ट्रेन किया जाता है काम के लिए, ठीक है, उनके पीछे कार्ट जो है, गाड़ी लगा दी जाती है, इसके पीछे भी कार्ट लगा दी जाती है, अगर हम इसको छोड़े तो ये सीधा अपने घर ही पहुँचेंगे, या जिस जगह पे काम की जाती है वहाँ पे ये काम के लिए पहुँच जाता है. इसी तरह हॉर्स जो है, ठीक है, इनको भी इतना ट्रेन किया जाता है कि इसको अपने काम की नौइयत का पता होता है कि मैंने कौन सा काम कैसे करना है, ठीक है, तो ये एनिमल्स जो हैं टेम एनिमल्स कहलाते हैं, जिनको ट्रेन किया जाता है काम के लिए, ठीक है, दीज आर कॉल्ड टेम एनिमल्स. ओके, नेक्स्ट है एलिफेंट, पोनी. ओके, पोनी और हॉर्स में देखिए डिफरेंस क्या है. पोनी और हॉर्स में, हॉर्स मीन घोड़ा, पोनी मीन खच्चर, ठीक है, इसका शेप, शिकल जो है और बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल घोड़े की तरह होता है, बट इसकी साइज़ जो है, कद जो है, ये डोंकी की तरह छोटा होता है, ठीक है, इसका साइज़ जो है डोंकी की तरह छोटा होता है, और शिकल और बाकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल हॉर्स से मिलती जुलती है. दिस इज़ कॉल्ड पोनी खच्चर. सो दिस इज़ कॉल्ड खच्चर, राइट. ओके, हॉर्सेस, पोनीज, कैमल्स एंड बुल्स, पुल कार्ट्स एंड वेगन्स, ठीक है, हॉर्सेस घोड़े, पोनीज खच्चर, कैमल्स ऊंट एंड बुल्स, और जो बैल है ये क्या करते हैं, पुल कार्ट्स, ये गाड़ियां खींचते हैं, ठीक है, एंड वेगन्स, और वेगन्स खींचते हैं जिसमें लोग सवारी करते हैं, लाइक टोंगा वगैरह, ठीक है,
लाइक टोंगा वगैरह, ठीक है, उसको वेगन बोलते हैं। ये जो वैन होते हैं, वैगन, ये वाली वैगन नहीं, व्हील वाली, ठीक है, व्हीकल्स वाली, गाड़ियाँ वाली, बल्कि ये जो एनिमल्स ये चलाते हैं, जिस तरह टोंगा होता है, ठीक है, टोंगा जो होता है, इसी तरह कैमल के पीछे भी लगा होता है, ठीक है। कार्ट अलग चीज़ होती है जिसपे वो सामान लेकर आते जाते हैं, ठीक है। और वेगन तांगी की शक्ल में होती है, पीछे से जो तांगा लगा होता है उसमें लोग सफ़र करते हैं, तो दैट इज़ कार्ड वेगन, ठीक है। ओके, डंकीस कैमल्स एंड हॉर्सेस कैरी लोड्स, कैरी, कैरी मीन ले जाना, लोड्स मीन सामान, ठीक है। डोंकी कैमल्स एंड हॉर्सेस कैरी लोड्स, डोंकी गधे, कैमल्स ऊंट एंड हॉर्सेस, और जो घोड़े होते हैं ये लोड्स सामान लेकर जाते हैं, ठीक है। एलिफेंट्स मूव हैवी लॉग्स, और एलिफेंट्स जो होते हैं ये भारी जो लकड़ियाँ होती है, ठीक है, भारी दरख्त की लकड़ियाँ जो होती है, मोटे मोटे, जो इंसान भी नहीं उठा सकते, तो ये एलिफेंट्स वही काम करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर पहली एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं और जो फॉरेस्ट में लकड़ी काटने का काम करते हैं, ठीक है, तो वो लोग एलिफेंट्स भी पालते हैं ताकि वो लकड़ियाँ जो हैं, लॉग्स जो हैं, वो लाने ले जाने में हेल्प कर सकें। ओके, नाउ मूव्स टुवर्ड्स रीडिंग एंड आल्सो द ड्रिलिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। एनिमल्स अराउंड अस, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट एंड जंगल्स, दे आर शाय, they are shy and sometimes frightened, of humans, some are dangerous, right? Okay, some animals are not dangerous. Are fires. They can be trained. उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तरबियत याफ्ता बनाया जाता है कि कौन सा काम किस तरीके से करना है। To work. We call these tame animals, right? Okay. Horses, ponies, camels and bulls pull carts, ठीक है, carts गाड़ी खींचते हैं, and wagons, donkeys, camels, यहाँ पे कॉमा है तो हम थोड़ा थोड़ा स्टे करेंगे, डोंकीज कैमल्स एंड हॉर्सेस कैरी लोड्स, एलिफेंट्स मूव हैवी लॉग्स, हैवी मीन बारी, ठीक है, एक तो होते हैं लाइट हल्का और एक होते हैं हैवी बारी। ओके, नाउ नोट ऑन द होमवर्क, डू रीडिंग ऑफ पेज 62 ऑन बुक, एंड आल्सो डू द ड्रिलिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। थैंक यू।